हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स वॉचिंग दिस वीडियो। इस साल इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम है बैलेंस फॉर बेटर, जिसका मतलब है वुमेंस को हर फील्ड में इक्वालिटी मिले। जो जेंडर डिफरेंस है, यानी कि मैन का रेशियो ज़्यादा है, वुमेन का कम है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जेंडर डिफरेंस में कमी आए एंड औरतों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। नारी शक्ति के बारे में बात की जाए तो इंडिया में वुमेन हर फील्ड में बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रही हैं एंड नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज हम ऐसी ही एक वुमेन के बारे में बात करने वाले हैं जो करंटली इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम निर्मला सीतारमन है। इस वीडियो में हम डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की लाइफ के साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो UPSC एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, तो सारे पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है 2017 से। उनसे पहले अरुण जेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभाल रहे थे। निर्मला सीतारमन सेकंड वुमेन है जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनी है। उससे पहले इंदिरा गांधी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थीं, जिन्होंने 1980 और 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभाला था और वो उस समय प्राइम मिनिस्टर भी थी। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और बलदेव सिंह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के पार्ट थे, जो कि 1947 से 52 तक थी। बात कर ली जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम होता है नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज एंड फंक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट को उन्हीं में वो कोऑर्डिनेट करती है एंड सुपरवाइज करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे बड़ा बजट है इंडियन गवर्नमेंट के फेडरल डिपार्टमेंट्स में। जितने भी फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा बजट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही है। और इंडिया की गवर्नमेंट वर्ल्ड में 5th नंबर पर आती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर की अगर बात करी जाए तो। निर्मला सीतारमन 18 अगस्त 1959 को बॉर्न हुई थी मदुरई में, जो कि तमिलनाडु में है, और उनके मदर का नाम सावित्री था एंड फादर का नाम नारायण सीतारमन था। उनके फादर इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय थे। निर्मला सीतारमन ने BA करी है इकोनॉमिक्स से सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से, जो कि तिरुचिरापल्ली में है। उसके बाद उन्होंने 1984 में मास्टर डिग्री हासिल करी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। निर्मला सीतारमन भारतीय जनता पार्टी यानी BJP यानी कि इस समय जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उनकी पॉलिटिशियन है और इससे पहले वो मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं। निर्मला सीतारमन ने 2008 में BJP ज्वाइन करी थी और उसके बाद वो उन्हें पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया था। पॉलिटिक्स में आने से पहले सीतारमन ने लंदन की रीजेंट स्ट्रीट में एज अ सेल्स गर्ल भी वर्क किया है। रीजेंट स्ट्रीट वेस्ट एंड ऑफ लंदन का एक मेजर शॉपिंग स्ट्रीट है। इसके साथ ही साथ 2017 में सीतारमन ने हैदराबाद में प्राणवा नाम का एक स्कूल है वो भी फाउंड किया, यानी कि वो उसकी वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर्स भी हैं। बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ वर्क किया है, किन किन एजेंसीज में वर्क किया है और उनके बारे में और उन एजेंसीज का काम क्या होता है। पॉलिटिक्स में आने से पहले सीतारमन ने यूनाइटेड किंगडम UK में एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन AEA में एक इकोनॉमिस्ट था, उस इकोनॉमिस्ट के लिए एज ए असिस्टेंट काम किया है। AEA एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन ये यूनाइटेड किंगडम की एक ट्रेड एसोसिएशन है जो कि उन मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो कि उन मैन्युफैक्चरर्स या इम्पोर्टर्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर मशीनरी या आउटडोर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। लंदन में ही रहते हुए ही उन्होंने BBC वर्ल्ड सर्विस के लिए भी काम किया है। वहाँ पर वो प्राइस वाटर हाउस में एज ए सीनियर मैनेजर थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो BBC वर्ल्ड सर्विस वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है जो कि रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़ एंड स्पीच ब्रॉडकास्ट करता है 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। सीतारमन ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए काम किया है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि NCW ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैचुरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे औरतों को फ़र्क पड़ता है, वुमेन को फ़र्क पड़ता है, उन पॉलिसीज़ के मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट जनवरी 1992 में हुआ था और इस कमीशन का पहला हेड जयंती पटनायक थी और इस समय इस कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें दिए गए फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द टॉपर्स को और ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जान